अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड पिज़्ज़े की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी और झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है। ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने 4 ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे, इस पर 1 टीस्पून पिज़्ज़ा सॉस डाल देंगे। अब पिज़्ज़ा सॉस को हमें अच्छे से स्प्रेड कर लेना है, चारों तरफ इसको अच्छे से लगा लेना है ब्रेड के ऊपर। अब हम इसमें टोमेटो केचप ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब। अब टोमेटो केचप को भी हमें अच्छे से स्प्रेड कर लेना है, चारों तरफ अच्छे से लगा लेना है। अब हम इस पर चीज़ डालेंगे। मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है, आप कोई भी चीज़ ले सकते हो, प्लेन चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो चीज़ हमें ज़्यादा डालना है क्योंकि पिज़्ज़े में चीज़ ज़्यादा होती है, और अच्छे से चारों तरफ चीज़ को भी हमें फैला देना है। तो देखिए चीज़ मैंने डाल दिया है चारों ब्रेड के ऊपर। अब मैंने कैप्सिकम ले लिए, छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कट कर लिया है। अगर आपको इसमें कॉर्न ऐड करना है या फिर अनियन ऐड करना है तो आप वो भी डाल सकते हो। जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद है पिज़्ज़े में वो आप ऐड कर सकते हो, मैंने सिर्फ शिमला मिर्च ली है। अब हम इस पर चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ी थोड़ी। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप भी कर सकते हो, या फिर थोड़ी सी ऐड कर सकते हो क्योंकि ये तेज़ होती है। अब ओरिगैनो डालना है, ओरिगैनो स्प्रिंकल कर देंगे, या फिर अगर आपके पास पिज़्ज़ा सीजनिंग है तो आप वो भी इस पर स्प्रिंकल कर सकते हो। तो देखिए ये अभी बस बनने के लिए रेडी है, इसको हम तवे पर बनाएंगे, हमें ओवन वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। तवे को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। अब पिज़्ज़ा जो हमने बनाया है ब्रेड पिज़्ज़ा, उसको हम तवे पर रख देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम रखना है। अगर आप हाई फ्लेम रखोगे तो ब्रेड जल जाएगा। लो फ्लेम पर इसको कवर करके पकने देना है जब तक कि चीज़ मेल्ट ना हो जाए। देखिए दिख रहा है कि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसको हम कट कर लेंगे, ये गर्म है इस वक्त इसलिए मैं इसको थोड़ा आराम से कट कर रही हूँ क्योंकि चटका लग रहा है हाथ में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मज़ेदार सा ब्रेड पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो चुका है। कितना चीज़ी और कितना अच्छा बना है। आप इसको बनाओगे खाओगे तो आपको इसमें कोई फ़र्क महसूस ही नहीं होगा कि ये ब्रेड का है या फिर पीता ब्रेड वाला पिज़्ज़ा है। तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। फटाफट से इवनिंग में झटपट से बनाकर बच्चों को भी दे सकते हो, खुद भी खा सकते हो। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाजू में जो बेल बटन है उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।